बहुत बहुत धन्यवाद। अज पहला बजट आम आदमी पार्टी की सरकार का साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार का पहला बजट पेश किया गया और पंजाब दे हर एक वर्ग दियां समस्यावां नूं ध्यान च रखते हुए पंजाब की तरक्की नूं ध्यान च रखते हुए पंजाब दे आर्थिक हालातों नूं ध्यान च रखते हुए साडे महकमे वल्लों डिपार्टमेंट वल्लों लगातार एक बड़े समय के दौरान तैयार किया गया और अज पंजाब की विधानसभा के अंदर पेश किया गया गा और मैं बड़े माण दे नाल महसूस करदा गा और कहना चाहागा कि पंजाब के जो वित्त दे हालात ने जो पंजाब दे वो किसे तो लुके नहीं है कि पंजाब दे विच कितना कर्जा गा पंजाब कितना हालातों चो निकल रहा गा वो किसे तो लुकाए नहीं जा सकते और इस संबंध के ऑलरेडी जिहड़ा हैगा असी वाइट पेपर शनिवार को पंजाब विधानसभा के सदन के अंदर रखिया सीगा जो पंजाब की असल आर्थिकता की तस्वीर नूं पेश करदा गा कि किस तरह पिछले समय दौरान सरकारां ने वित्तीय ना समझी का सबूत दिता गा कि किस तरह पिछले पांच साल के दौरान सरकार ये जानती हुई भी कि जीएसटी का मुआवजा जीएसटी का कंपनसेशन जून 2022 खत्म होना गा जिहड़ा कि 1 जुलाई 2017 च शुरू होया सीगा 1 जुलाई 2017 च शुरू होया सीगा ये जानती हुई पंजाब सरकार ने पिछले पांच साल दौरान एक भी यतन नहीं किया कि पंजाब की आर्थिकता नूं अपने पैरां ते किवें खड़े करना गा पांच साल दौरान पर असी अपने पहले ही 3 महीने के दौरान मैं छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा कि सिंकिंग फंड 1000 करोड़ रुपये निवेश किया गया जबकि 21 साल कितना होया 3000 21 साल 3000 होया इन्ह 3 महीनों के 1000 करोड़ रुपए का निवेश होया यानी मैं कहना चाहागा कि साडा इरादे की ने मान साहब की जड़ी सोच आए आ कि पंजाब का पंजाब दे विच पंजाब की आर्थिकता मुड़ लीहां ते लिया जाए और पंजाब दे चाहे वह एग्रीकल्चर का खेत्र आ खेती का खेत्र आ चाहे पंजाब का एजुकेशन का खेत्र आ चाहे पंजाब का सेहत का खेत्र आ इन्हां विच ला मिसाल वड्डियां तब्दीलियां लिया जान और उस दे मुद्दे नज़र अज मैं पंजाब की विधानसभा का जिहड़ा बजट पेश किया गया और एजुकेशन के खेत्र दे विच चाहे वह टैक्निकल एजुकेशन आ चाहे वह मैडिकल एजुकेशन आ और 47% 57% के बदले वड्डे वाधे जिहड़े तुसीं अज तक नहीं देखे होणगे वो रिकॉर्ड दर्ज करवाए ने और साडी सरकार दा है और इस तरह सेहत सहूलतां मतलब जिहड़ा तुसीं किस जिहड़े भी पासे तुसीं कहोगे पर जे मैं गल एजुकेशन की दोबारा दोहरां तो 16% का इजाफा रिकॉर्ड इजाफा जिहड़ा इस बजट विच पेश होया गा। इस तरह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे विच 24% का रिकॉर्ड जिहड़ी आ वो इनक्रीज हुई है पहली बार होया गा। इस तरह सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस दे विच लगभग 13% का वाधा होया गा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्स क्योंकि कोई भी सरकार व्यापार तो इंडस्ट्री तो बिना अधूरी आ किसी भी सूबे की इकोनमी इंडस्ट्री तो बिना नहीं चल सकती और उस दे बजट 48% का वड्डा वाधा लगभग डबल जिहड़ा उहदा बजट कर दिता 48%। इस तरह फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर सिविल सप्लाई वाले महकमे के 51% का वाधा जिहड़ा वो असी कीता गा। इंप्लायमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के
जिहड़े प्रोग्राम चलणगे उहदे 32% का वाधा, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के लिए 52% का वाधा, मैडिकल एजुकेट रिसर्च के लिए 57% का वाधा, 57% का वाधा। क्योंकि तुसीं देखिया जो यूक्रेन की लड़ाई लगी, जो यूक्रेन युद्ध होया तो किस तरह मापे कल्पते सी, किस तरह लोग अपने बच्चों लियाउण दे लई जद्दोजहद कर रहे सीगे। सो साडी सरकार दा मनला कि पंजाब विच इस तरह दियां कॉलेज मैडिकल कॉलेज होण ताकि साडा कोई भी बच्चा बाहर ना जावे, बल्कि इत्थों पढ़े लिखे लोग बाहरले सूबे जाके जिहड़ा जिथे पंजाब च कम करनगे उत्थे बाहरले सूबे जाके कम करन। और इसे तरह लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके असीं 8% का वाधा किया गया। पर टैक्नीकल एजुकेशन दे विच 48% का एक रिकॉर्ड वाधा होया गा, क्योंकि हुनर तो बिना स्किल तो बिना साडे नौजवान जिहड़े ने गे वो रुजगार तो अधूरे ने गे, साडी सरकार ने यह वड्डा वाधा जिहड़ा टैक्नीकल एजुकेशन च कीता गा और लगभग डबल होया 48% का वाधा, यह भी एक इतिहासिक जिहड़ा हैगा वाधा आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया गा। और इस तरह एग्रीकल्चर होया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए, होर बहुत सारे हैड ने गे जिन्हों की आप गल कर लिए, इन इतिहासिक वाधा जिहड़ा साडी सरकार ने दर्ज किया गा। सो मैं समझना ये पहला बजट आ जिहड़ा जनता नूं पुछ के, जनता नाल सलाह करके, लोगों को जाके पंजाब के वख वख शहर जिले जाके, तुसीं पहला जिले कवर किया और अपने पोर्टल पर जिहड़ा सरकार ने पोर्टल जारी किया सरदार भगवंत सिंह मान जी दी, जिन्हें अपने पोर्टल दे राहीं सरकार दे पोर्टल ते फाइनेंस डिपार्टमेंट दे पोर्टल जाके उत्थे नंबर ऑफ सुझाव ईमेलों के राही अपने वख वख तरीकों के राही पंजाब दे लोगों ने दिते। और मैं तुहानू ये भी दसदा खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब दीआं महिलावां ने, साडीआं मामा भैणां ने उस प्रक्रिया दे विच बाखूबी हिस्सा लिया। 27.3% औरतों ने अपने बड़मुले सुझाव पंजाब का बजट बनाने दिते। इतों पता लगता गा कि साडियां मामा भैणा पंजाब की आर्थिकता बारे, पंजाब के आर्थिक सोमिया बारे किन्नियां चिंतित ने गियां। सो एक बहुत बड़ा एक मैं समझदा एक्सरसाइज सीगी और तुसी इस एक्सरसाइज में समूह पंजाबियों ने उद्योगपतियों ने सुझाव दिता और मैनू बहुत सारिया गल्लां, चाहे एक्साइज पॉलिसी की गल कर लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की गल कर लिए, चाहे माइनिंग पॉलिसी की गल कर लिए या दूजिया पॉलिसिया की गल कर लिए, उन्हां सारिया पॉलिसिया बारे इंडस्ट्री पॉलिसी की गल कर लिए सुझाव जिहड़े सीगे उस समय दौरान मिले। सो उन्हां सारिया पॉलिसिया जिहड़ियां रह गईयां जिहड़ी असीं बनाती वो सारे सुझाव लए गए ने, जिहड़ियां रह गईयां पॉलिसियां वो बड़ी जल्दी असीं अनाउंस करांगे, क्योंकि इस बार जिहड़ा हैगा वड्डा वाधा एक्साइज पॉलिसी दे राही, नवीं एक्साइज पॉलिसी दे राही पंजाब के खजाने में होगा। और एक मैं समझा मोनोपोली एक लंबे समय तो जिहड़ा कब्जा सीगा वो तोड़िया गया गा और 57% का रिकॉर्ड सानू मालिया प्राप्त होने की जिहड़ी उम्मीद आ और इस एक्साइज पॉलिसी दे राही आ। इस तरह GST के खेत्र दे विच असी इंटैलीजेंट यूनिट जिहड़ा हैगा टैक्नीकल इंटैलीजेंट यूनिट की स्थापना की आ, उहदे राही संचार के माध्यमां राही टैक्स चोरी किवें हुंदा गा, टैक्स अवेजन किवें हुंदी आ, उहदी चोरी रोकण दे लई असी एक इंटैलीजेंट यूनिट जिहड़े हैगे नूं स्थापित कीते नेगे और उहदे विच वी मैं समझदा सानूं वड्डा एक वाधा जिहड़ा हैगा उह मिलेगा। और तां कि असी जिन्नियां असी इस बजट दे विच उपबंध कीते ने पैसिआं दे, जिन्नियां असी इस जिहड़ा बजट दे विच लोगों लिए रखे राखवे पैसे रखे ने गे वो पूरे हो सकेंगे। सो ये मैं कहता हाँ तो सारे का धन्यवाद।